जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो बहुत कम एज में पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता। पेरेंट्स बोलते स्टडीज पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो। अगर मेरे को कोई एडिटिंग नहीं जानती है तो फिर मम्मा रात भर जग के मेरी एडिटिंग करती है, जो कि बिगेस्ट ट्रूथ है। ठीक है, जब सोता है ना तब, मतलब मेरा भाई छोटा यंगेस्ट ब्रदर, जब वो सोता है मम्मा को तभी मेरे व्लॉग्स को एडिट करने का टाइम मिलता है, ना तो फिर नहीं मिलता। सारे ऑडियोज मम्मा को, अगर मतलब हम जो ऐप यूज करते हैं उसके अंदर कोई सॉन्ग्स अवेलेबल नहीं होते तो बहुत सारे लोग ना उनके व्लॉग्स देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बट वो अपनी जर्नी कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कॉपी करना सही है? वैसे कॉपी करना और खुद की आइडियाज भी सही है। लाइक कॉपी करने से हमें दूसरों से अच्छी अच्छी सीख मिलते हैं कि कैसे व्लॉगिंग करना या फिर किसी भी चीज पे। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए पॉडकास्ट में। सो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसे क्रिएटर से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की है, एंड वो जस्ट 7th स्टैंडर्ड में है। शी इज डूइंग लिटरली अमेजिंग। जहां पर भी वो ट्रेवल करती है या फिर घर के जो एक्टिविटीज होती है वो अपने एक्सपीरियंस जो है व्लॉगिंग के थ्रू शेयर करती है, एंड उनका नाम है शगुन कांबळे, जिन्हें हम प्यार से खुशी भी बोलते हैं। सो खुशी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, एंड आप जो है हमारी ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि हु एग्जैक्टली इज शगुन कांबळे। सो मेरा नाम शगुन कांबळे है और मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो टुडे आई एम हियर विद अक्षय सर फॉर माय इंटरव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज बी टिल एंड ओवर हियर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। सो खुशी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक आपने अपनी व्लॉगिंग की जर्नी जो है बहुत कम उम्र में स्टार्ट की, तो आपके पीछे का मोटो क्या था कि आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करने, क्यों आपने स्टार्ट किया? तो सबसे पहले तो मैंने अपना जो व्लॉगिंग आई मीन चैनल जो था 2021 से स्टार्ट किया था। तो मैं जब YouTube वीडियोस देखती थी दूसरे चैनल्स के, तो मेरे को उनके वीडियोस को देखने के लिए इंटरेस्ट था। तो फिर उनके वीडियोस को देखकर मेरा भी एक टाइप का विश हुआ कि मैं भी एक YouTube चैनल खोलूं, व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, लाइक DIYs क्राफ्ट ये सब बनाऊं और मैं भी दूसरों की तरह फेमस हूँ, ऐसा मेरा विश है। Wow, that's really great. And आपने कहा कि like आप दूसरों के भी चैनल्स देखते थे एंड वहां से आपको मोटिवेशन आया कि आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, तो कोई भी फेमस यूट्यूबर्स के नाम बता सकते हो जिससे आप इंस्पायर्ड हुए एंड आपको लगा कि मुझे भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? Yes, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बिंदास काव्या की। तो बिंदास काव्या एक बहुत ही अच्छी एक यूट्यूबर है और उसके अभी तक 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो 3 ईयर्स से यूट्यूब ज्वाइन किया है ना, तो पहले सब उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे, बट अब उतना नहीं। पूरे वर्ल्ड में वो इतनी मतलब इतनी फेमस है कि सब जानते हैं उसे, और वो औरंगाबाद में रहती है। सेकंड यूट्यूबर मैंने IUMPO शो का देखा था, जिसमें वो चैलेंजेस करते थे, स्टोरीज बनाते थे और साथ ही साथ ट्रैवल के व्लॉगिंग करते थे, जिसको देखकर मैंने भी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की। एंड थर्ड नंबर पे अदिति, क्राफ्टर अदिति आती, जिसने मेरे क्राफ्ट की वीडियोस देखे, और क्राफ्ट की वीडियोस देखने के बाद मेरा उससे पहले स्टार्ट हुआ था चैनल, तो फिर शॉर्ट्स में मैंने क्राफ्ट के भी वीडियोस थोड़े थोड़े डालने शुरू किए। That's really great. And लोगों से इंस्पायर तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट इंस्पायर होके ना एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं, राइट खुशी? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो ऐसे कोई चैलेंजेस आए आपको कि नहीं मेरे से वीडियो एडिटिंग नहीं हो पा रही है, मुझे कैमरा एंगल बराबर से सेट नहीं करने आ रहा है, तो थोड़े चैलेंजेस के बारे में बताइए जो आपको दिक्कतें आई जब आपने स्टार्ट की। सबसे पहले तो मेरे को दिक्कत आती थी कि ना मतलब कि अगर मेरे ज्यादा लाउड हो कहाँ पे, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड ऑडियोज आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए मेरे को क्या करना था। अगर शॉर्ट्स थोड़े शॉर्ट्स वीडियो बनाने होंगे और बहुत ही लंबा वीडियो, तो उसमें मुझे ऑडियो डालनी थी, बट उस वीडियो को मुझे सिर्फ 15 मिनट्स का बनाना था, बट उतना तक वो हो नहीं रहा था, और साथ ही साथ मेरे को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा था। ऑडियो बराबर से जा तो रही थी, बट फास्ट फॉरवर्ड के वजह से वो आगे पीछे हो रही थी। उसका एक चीज़ दो कि मुझे जब मैं कैमरा को होल्ड करती हूँ तब वो मेरे से अवेलेबल नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हिल रहा था। तो अभी कैसे मैं सीख रही हूँ, मेरे को भी अभी 2 ईयर्स हो चुके हैं यूट्यूब में,
इसलिए मैं अभी ट्राई कर रही हूँ और ज्यादा बेटर करने। बहुत सही है। लाइक जैसे आप देख सकते हो कि लाइक 2 साल हो चुके हैं खुशी को व्लॉग्स बनाते बनाते, बट स्टिल शी इज लर्निंग। तो हमें ये एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि भले आप कभी से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, बट आपको हमेशा सीखते रहना है। सो खुशी, आप अपना ना डेली लाइफस्टाइल बता सकते हो, आपका डेली रूटीन क्या होता है, बिकॉज आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हो, राइट? तो मैनेज आप कैसे कर लेते हो स्कूल को भी, व्लॉगिंग को भी? सो अपना पूरा रूटीन बताइए खुशी। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह का उठना होता है। मैं तो 4:55 को ही उठती हूँ, बिकॉज पानी भरने के लिए 5 मिनट लग जाते हैं, ब्रश करने के लिए 5 मिनट, और फिर बाल भी बनाने होते हैं, गर्ल्स का मेन प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसलिए। देन मम्मा टिफिन बनाती है, ठीक है, फिर ऐसे उनके पास स्कूल के आने के बाद मैं फ्रेश होकर खा लेती हूँ। तो फिर कभी कभी ना मैं व्लॉग्स बहुत लेट डालती हूँ, बट व्लॉग्स बनाती हूँ। सैटरडे संडे एक टाइम मिलता है मेरे को व्लॉगिंग को एडिट करना और व्लॉग बनाना, ये 2 दिन लगते हैं। और बात किया जाए तो मैं नीचे मतलब दोपहर को थोड़ा 2 आवर्स सोती हूँ, थोड़ा रेस्ट देने के लिए अपने ब्रेन को, इसलिए। एंड ऑल्सो मैं उठकर पहले नाश्ता करके फिर पढ़ाई करने लगती हूँ। अभी 7th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, इसलिए मेरे को खेलने का क्या व्लॉगिंग का भी वक्त नहीं मिलता है। बिल्कुल, बट फिर भी आप स्टडीज़ के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड दूसरी एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा खुशी, आप अभी चलो शूट कर लेते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आज का मैं क्या बनाऊँ कंटेंट, आज मैं क्या दिखाऊँ लोगों को, आज के लिए आइडियाज नहीं मिल रहे, तो तभी उस समय पे आप क्या करते हो जब आपको आइडियाज नहीं मिलते? जब मेरे को आइडियाज नहीं मिलती तो डायरेक्ट यूट्यूब खोल लेती हूँ। देन पहले तो मैं शॉर्ट्स को स्क्रोल करते जाती हूँ। देन अगर मुझे लगा कि हाँ ये क्राफ्ट का वीडियो, या फिर अगर मुझे कोई आइडिया शॉर्ट से भी नहीं मिल रही है, तो फिर मैं यूट्यूब पे जो टू मतलब जो होता है ना कि टॉयज शेयर करना, अपने सारे टॉयज को दिखाना, होम टूर, रूम टूर, अपने सारे मतलब सारे बुक्स को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियोस, ये सब मैं यूट्यूब से ही देखती हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक ही चीज़ है जहाँ से मैं पूरी मोटिवेट हूँ। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। देखो बहुत सारे लोग है ना YouTube को टाइम पास से लेते हैं, लाइक YouTube पे वीडियोस देखते हैं, टाइम पास करते हैं, स्क्रोल्स करते हैं, वेब सीरीज एंड ऑल देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट YouTube से मोटिवेशन लेके कुछ स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो खुशी ने करके दिखाया है। सो खुशी, अभी आपका एम क्या है कि लाइक अभी आप कितने और वीडियोस बनाने वाले हो, और आगे अपनी व्लॉगिंग की जर्नी कैसे कंटिन्यू करने वाले हो, ये थोड़ा बताइए। मैं लाइक पूरा बड़े होने मतलब पूरा मतलब लाइक 60 तक मैं व्लॉगिंग कभी छोड़ूंगी ही नहीं, बिकॉज मुझे फेमस होना, चाहे कितने भी साल लगे मुझे फेमस होने के लिए, बट मेरे विषय मेरा एम है कि मैं फेमस हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड देखो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, सो डेफिनेटली लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं। एंड इतनी कम उम्र में आपने स्टार्ट किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी आप मुझे बताइए कि आप जब भी स्कूल से वापस आते हो, आप कंटेंट आइडियाज लिखते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, या फिर आप यूट्यूब से ही आइडियाज लेके वीडियोज बनाते हो, कैसा होता है? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड भी होता है व्लॉग, पहले से ही सोच के रखते हैं और पहले से ही बोल के रखते हैं कि हाँ आपको ये बोलना है। सो ये कितना सच है, कितना झूठ है? तो सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसा कुछ लिखती तो नहीं हूँ, मैं अपने मन में ही सोचती रहती हूँ कि कौन सा व्लॉग बनाना है, किस चीज़ का व्लॉग बनाना है, या फिर कुछ स्किन केयर का रूटीन शेयर करना है, कोई मॉर्निंग रूटीन या फिर नाइट रूटीन, इवनिंग रूटीन जो शेयर करना है, मैं अपने मन में ही सोच लेती हूँ। मन में सोचने के बाद मैं उस व्लॉग को बनाती हूँ। मतलब अगर ऐसा हो कि मैंने एक दिन सोचा तो फिर एक दिन ही करूँगी, उसी दिन करूँगी, वैसा तो नहीं करूँगी मैं, बट मैं करूँगी तो उसके दूसरे दिन या फिर सैटरडे संडे जो मुझे टाइम मिलता है तब करती हूँ। और अगर ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो उसके अंदर मैं और सारे चीज़ें को ऐड करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैं अपनी हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ, देन फिर अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। बिल्कुल। एंड एक मेजर दिक्कत आती है ना खुशी की, लाइक जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, बहुत कम एज में पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता। पेरेंट्स बोलते स्टडीज पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो, बट मैंने एक चीज देखी आपके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले भी आपके मॉम ने आपके लिए शूट किया,
आपका कैमरा एंगल सेट करके रखा ताकि वो हाइपरलैप्स हो सके। सो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस जर्नी में? क्योंकि अगर मेरे को कोई एडिटिंग नहीं जानती है तो फिर मम्मा रात भर जग के मेरी एडिटिंग करती है, जो कि बिगेस्ट ट्रूथ है। ठीक है, जब सोता है ना तब, मतलब मेरा भाई छोटा यंगेस्ट ब्रदर, जब वो सोता है मम्मा को तभी मेरे व्लॉग्स को एडिट करने का टाइम मिलता है, ना तो फिर नहीं मिलता। सारे ऑडियोज मम्मा को, अगर मतलब हम जो ऐप यूज करते हैं उसके अंदर कोई सॉन्ग्स अवेलेबल नहीं होते, उस चीज़ के लिए मम्मा एक बड़ी प्रोसेस करती है जिससे वो जो ऑडियोज होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, उनको सेव कर लेती है, और उस सेव करने के लिए टाइम लगता है। मम्मा टोटल 2 आवर्स मेरे वीडियोज के एडिटिंग के लिए लगती है। और पापा का अभी बात किया जाए तो कोई चैलेंजेस करने हैं तो मैंने एक चैलेंज 2-3 बार किया था, पिज़्ज़ा चैलेंज किया था, देन एक पानी पूरी चैलेंज, और सबसे पहला पार्ट भी था वो, मेरा सबसे फर्स्ट चैलेंज था वो, पानी पूरी चैलेंज ही था वो भी। तो फिर ये चैलेंजेस में मेरे पापा मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाहर से सारी चीज़ें मंगाना, बाहर से सारी चीज़ें लाना, ये सारे मेरे पापा सपोर्ट करते हैं। तो फिर मेरे मम्मा एंड मेरे डैडा दोनों सपोर्ट। एंड मैंने आपका एक चैलेंज भी देखा था जहाँ पर आपने चाइनीज चैलेंज किया था, अपने चाइनीज वगैरह सब लाया था, फिर उसके बाद एंडिंग में आपने ये कर दिया था कि नहीं अभी चाइनीज चैलेंज जो है एंड हो चुका है, एंड बहुत सारा चाइनीज बच गया था, राइट? तो वो मैं किस्सा सुनना चाहूँगा, क्या था मोटिव एंड आपने क्यों ये चाइनीज का चैलेंज लिया था, एंड वो क्यों नहीं हो पाया पूरा, लाइक एंडिंग में बच गया था? इतना सारा चीज था, लाइक फ्राइड राइस था, नूडल्स था, लॉलीपॉप था, मतलब देखकर ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वो खाने के लिए। खाती गई तो मेरा पेट एकदम ऐसा भर गया, तो भरने के बाद कोई जाने का मतलब पॉइंट ही नहीं रहा था। तो फिर मैं घुसाने की भी कोशिश कर रही थी, तो फिर मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर इस चीज के लिए मैंने क्विट कर दिया। बट एक बहुत अच्छी चीज है कि आपने स्टार्ट किया और एंड किया, बिकॉज बहुत सारे लोग चैलेंजेस सोचते हैं कि चैलेंजेस हम लेंगे बट वो कभी स्टार्ट नहीं कर पाते, एंड बहुत सारे लोग होते हैं कि ना लोगों से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, लाइक सौरभ जोशी व्लॉग्स आपको पता होगा, राइट? तो बहुत सारे लोग ना उनके व्लॉग्स देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बट वो अपनी जर्नी कभी स्टार्ट नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कॉपी करना सही है या फिर हमें खुद के आइडिया से ही व्लॉगिंग करनी चाहिए, या फिर आप किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं? वैसे कॉपी करना और खुद की आइडिया भी सही है, लाइक कॉपी करने से हमें दूसरों से अच्छे अच्छी सीख मिलते हैं कि कैसे व्लॉगिंग करना, या फिर किसी भी चीज़ पे, चाहे वो अगर जब मैं छोटी थी ना तब क्लासेस में मैं जब नई थी तो फिर पता नहीं था ना मेरे को कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कैसे टीचर्स हैं, कैसा लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है लेसन को, वो पता नहीं होता था, इसलिए मैंने दूसरों को देखकर फिर स्टार्ट किया। तो फिर मतलब मैंने देखकर ही स्टार्ट किया, इसलिए कॉपी करना भी सही होता है। और अगर खुद के आइडियाज़ पे गए तो खुद के आइडियाज़ कॉपी करने से थोड़े और ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि मैं करती हूँ कभी कभी, एंड करना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कॉपी करना गलत बात है, बिकॉज अगर मान लो मैंने किसी का व्लॉगिंग चैनल देखा, ठीक है, मैंने देखा कि वो एक चैलेंज कर रहा है, तो वो चैलेंज मैं भी कर सकता हूँ, बट वो मैं अपने वे में करूँगा, अपने वे में बताऊँगा, राइट? हम दूसरे को कॉपी कर सकते हैं बट हम अपने भी बेस कोई आइडियाज लगा सकते हैं। अगर टीचर ने कोई आंसर दिया और वो आंसर आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब से, अगर वो कोई क्वेश्चन मन का हो और टीचर ने उसके साथ साथ आंसर भी दिया है, तो फिर टीचर से पूछती हूँ सबसे पहले, टीचर यस बोलती तो यस, तो फिर मैं उसके अंदर ओन वर्ड्स को ऐड करती हूँ और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाती हूँ, लाइक स्टोरीज और। बिल्कुल, एंड कितना नेसेसरी होता है व्लॉगिंग में एसोसिएशन का होना? एसोसिएशन का मतलब है आपने स्कूल के बारे में बताया, फिर आप स्कूल से घर पे आए, तो ये एक एसोसिएशन हो गया कि स्कूल से घर, फिर घर से आप कहीं और जा रहे हो बाहर, तो क्या ये कनेक्टिंग फैक्टर्स होना जरूरी है ताकि लोग एंगेज रहे आपकी वीडियो में? हाँ, ये कनेक्टिंग फैक्टर्स होना जरूरी है ताकि थोड़ा लंबा भी हो व्लॉग्स और लोग लाइक देखते रहे व्लॉग को और ज्यादा एंटरटेन्ड होने के लिए देखते रहे इस व्लॉग। एंड वीडियोस की लेंथ क्या होनी चाहिए? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब हम व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्या हमें 2 मिनट का रखना चाहिए, 10 मिनट का रखना चाहिए, 20 मिनट का रखना चाहिए, 30 मिनट का रखना चाहिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? टोटल वीडियो मतलब व्लॉगिंग होता है ना, 30 मिनट तक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि
हाफ आवर मींस ओके है, लोग हाफ आवर लाइक अगर लोग खाना खा रहे तो खाने खाने के वक्त वो हमारे व्लॉग्स को देखकर एंटरटेन हो सकते हैं, तो 30 मिनट में तो किसी का भी खाना हो जाता है। वैसे अगर मैं दूसरों के वीडियोस देखती हूँ तो उनके भी 30 मिनट लिमिटेड होते हैं, या फिर 30 मिनट के अंदर जैसे छोटे छोटे व्लॉग्स होते हैं लाइक शॉर्ट व्लॉग्स नॉट मिनी व्लॉग्स फॉर 12 मिनट्स दिस आर ऑल्सो ओक्ड 18 मिनट्स दिस 20 मिनट्स दिस टिल 30 मिनट व्लॉग्स आर वेरी ओके 10 टू 30 मिनट्स दिस आर द टाइमिंग फॉर द व्लॉग दैट्स रियली ग्रेट। तो खुशी अभी आपके आने वाले एक साल में दो साल में आपके क्या प्लान्स है व्लॉगिंग को लेके, आप किस तरह से स्केल करोगे, किस तरह के और चैलेंजेस हमें आपके चैनल पे देखने मिलेंगे वो थोड़ा आप शेयर करिए। वैसे चैलेंजेस की तो पता नहीं है, बट मेरा मन है कि मैं एक बार मेरा हाउस का टूर करूं, देन हाउस का टूर मेरी विषय की मैं ना एक गेमिंग रूम लूं ओके ताकि मैं एक और एक चैनल खोल सकूं। दैट्स रियली ग्रेट एंड मल्टीपल चैनल होना बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए हार्ड वर्क बहुत लगता है और कंसिस्टेंसी बहुत लगती है, डिसिप्लिन भी बहुत लगता है, राइट? सो अभी आप राइट नाउ महीने में कितने वीडियोस अपलोड करते हो खुशी? एक महीने में 5-10 कर। दैट्स रियली ग्रेट एंड इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितने वीडियोस डाल रहे हो, आप कंसिस्टेंटली डाल रहे हो हर हफ्ता, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आप मुझे बताओ, बहुत सारे लोग है ना व्लॉगिंग करते करते ड्रेन आउट हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो नेक्स्ट मंडे कर लेते हैं, चलो अगले मंथ कर लेते हैं, तो ऐसे करते करते ना वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस मेरे को नहीं लगता है ठीक है, बट कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं कल ये करूँगी लाइक ड्राइंग बनाऊंगी, कि कल मैं फिर ये बनाऊंगी क्या बोलते हैं क्राफ्टिंग करूंगी, तो फिर कभी कभी ऐसा तो होता ही है मेरे साथ, बट मैं कभी अलग से दिन कर लेती हूँ। मेरे साथ होता है कि नहीं मैं कल करती हूँ, नहीं मैं परसों करती हूँ। वैसे एडिटिंग के साथ भी मेरा होता है, मैं शुरू की थी लाइक हाँ कल परसों की बात है, मैं मतलब दोपहर को सोते वक्त मैंने बोला कि मैं आज एडिटिंग कर लेती हूँ, तो फिर मैंने ना मतलब पूरा ऑडियो सब डाल दिया एंड देन मैं एकदम से स्टॉप हो गई, मैं बोली कि कल कर लेती हूँ, कल नहीं किया मैंने, फिर बाद में मैं बोलती हूँ कि और कल कर लेती हूँ, आज भी नहीं किया तो मैं अभी बोली कि मैं कल कर रही थी, तो फिर कल का भी पता चलेगा या फिर मैं आज रात भी कर सकती, ऐसा होता है मेरे साथ भी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक थिंग के ऊपर एम करते हैं तो फिर इस एम को निकालना नहीं चाहिए। बिल्कुल, एंड अगर आपने कोई एम बनाया तो डेफिनेटली उसे फुलफिल करना चाहिए। देखो व्लॉगिंग तो एक पार्ट हो गया, चलो आपने वीडियो एडिटिंग कर दिया, उसके बाद है ना फिर भी दो बड़ी दिक्कतें आती है, वो है टाइटल और थंबनेल। यस, तो टाइटल पहला क्वेश्चन मेरा तो ये रहेगा कि आप टाइटल कैसे डिसाइड करते हो, और दूसरा अब थंबनेल किस प्रकार से जो है ऐड करते हो। वैसे अगर टाइटल की बात किया जाए तो टाइटल वीडियो से रिलेटेड होती है, या फिर टाइटल में हम क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, सो गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं, गेस करो हम कौन सी चीज कर रहे हैं, या फिर कुछ हुआ होगा लाइक सीरियसली अगर सरप्राइज होने वाला है सो इट्स अ सरप्राइज, कोई भी टाइटल बट जो वीडियो की रिलेटेड टाइटल्स है हम वही डाल सकते हैं। अगर स्टोरीज है तो स्टोरीज को कैसे लाइक बुक्स में जो स्टोरीज होता है स्टोरीज को फिर लाइक हमें एक टाइटल देना जरूरी होता है ताकि हमें समझ आए कि हाँ कि इस रिलेटेड से वो स्टोरी है, तो वैसे ही जब लोगों को वीडियोस देखने होते हैं तो फिर इस रिलेटेड से किस रिलेटेड से ये ब्लॉग है वो पहले पढ़ना जरूरी होता है, तो फिर उस प्रकार से टाइटल डाल। और अगर बात किया जाए थंबनेल की, तो थंबनेल के लिए मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं, अगर मॉल गई हूँ तो मॉल में सबसे पहले जहाँ मॉल का पूरा फोटो क्लिक करके मैं एक टाइप का कैनवास में क्रिएट करती हूँ, एज अ क्लिप बनाती हूँ, एक क्लिप या चार क्लिप्स बनाती हूँ मैं फोटोज के, एक यहाँ एक है एक यहाँ, मतलब फर्स्ट से लेकर एंड तक जो फोटोज होता है वो मैं डालती हूँ पूरे थंबनेल में। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, बिकॉज़ आपने जो भी थंबनेल के आइडियाज दिए ना वो रिलेटेड थे टू सस्पेंस, लाइक लोगों को वो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ यार सरप्राइज मतलब क्या सरप्राइज होगा। आपने कहा कि गेस व्हाट आई फाउंड इन दिस वीडियो, तो लोग बोलेंगे अरे क्या मिला मुझे इस वीडियो में, ताकि लोग उस वीडियो पे क्लिक करें, बिकॉज आप भी जब भी यूट्यूब वीडियो देखते हो सबसे पहले आप थंबनेल देखते हो, थंबनेल के बाद आप टाइटल देखते हो, फिर वो वीडियो पे क्लिक करते हो, राइट? तो टाइटल थंबनेल का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हो और डिस्क्रिप्शन के आइडियाज़ कैसे आते हैं आपको?
तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखती नहीं हूँ, बट अगर मेरे को लाइक किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करनी होती है, लाइक मैंने एक टिफिन का अनबॉक्सिंग किया था जिसका मैंने ना डिस्क्रिप्शन डाला था, मैं पहले तो उस लिंक को कॉपी करती हूँ जिस लिंक में टिफिन बॉक्स का जो लिंक है, एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। और एक ही चीज़ लिखती हूँ लिंक डालने से पहले, जो कि है ओपन दिस लिंक फॉर द थिंग, ऐसा ही लिखती हूँ मैं। और कभी कभार मैं अपने जो टाइटल्स होते हैं ना उस वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए ताकि लोग को भी समझे, अगर टाइटल इंटरेस्टिंग है तो फिर हमारे जो वीडियोस भी होते हैं वो भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए फिर टाइटल इंटरेस्टिंग होने के वजह से फिर लोग भी हमारे वीडियोस को देखें। बिल्कुल। एंड एक और चीज़ होती है, पब्लिक में व्लॉग करना बहुत मुश्किल होता है, आपने एक चीज़ देखी रहेगी, आप मॉल में जा रहे हो या फिर आप रोड पे जा रहे हो या फिर स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हो, बाकी लोग हमें जज करने लग जाते हैं, राइट? अरे क्या वीडियो बना रही है, या फिर अरे यार ये सब क्या है कैमरा। किसी के जज होने से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जो बोलेंगे वो तो हम है नहीं, राइट? और ना हम उनको जो बोलेंगे वो नहीं है, तो फिर वी शुड नॉट माइंड इट, वी शुड लीव इट। तो आपके साथ, आपको क्या लगता है, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो पब्लिक में वीडियो बनाने से डरते हैं? मैं उन लोगों को मैसेज करना चाहती हूँ कि हिम्मत रखनी चाहिए, मतलब शाय फील होता है कभी कभी, नर्वसनेस आती है कि क्या बोलूँगी, लोग फिर ना एकदम से घूरना स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें और ज़्यादा नर्वसनेस फील हो जाती है, तो फिर अगर इधर छोटे नीचे भी अगर वीडियोज बनाने होते हैं ना इधर, हाँ, तो फिर अकेले में मेरे को और ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है, बट मैं अपने नर्वसनेस को दूर करके अपने जो ब्लॉगिंग से ऐसा सोचती हूँ कि आसपास कोई नहीं है, बस कैमरा है और मैं हूँ, ऐसा सोच के फिर मैं अपना नर्वसनेस को निकाल लेती हूँ। ऐसा ही मेरा विषय कि आप सब लोग जो भी ब्लॉगर्स इसको देख रहे हो मेरे जैसे चीज फॉलो कर। बिल्कुल। एंड हमें ऐसा लगता है कि लाइक मान लो अगर आप वीडियो बना रहे हो पब्लिक में, आप उनको जानते नहीं हो, वो आपको जानते नहीं है, तो कोई आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं, लोग आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे। एंड एक और चीज़ जो आप व्लॉगिंग में पब्लिक में अगर वीडियोस बना रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे बूस्ट हो जाता है, राइट? सो ये चीज़ है। तो खुशी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपसे सीखने मिली, एंड आपने ऑडियंस को भी हमारे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। सो अगर कोई एक लास्ट मैसेज अगर हमारे ऑडियंस को आप देना चाहोगे तो क्या मैसेज होगा, जिनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है बट बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल करूँगा। तो अगर आप सब लोग को भी मेरी तरह ये जर्नी को स्टार्ट करना है ना, तो फिर आपको किसी से भी मोटिवेट होना पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप दूसरों से मोटिवेट होते हो तो फिर आप खुद भी अपने आइडियाज के साथ मोटिवेट हो सकते हो, मतलब कि अगर आप किसी के वीडियोस देखते हो जिसमें वो दूसरों अपने खुद के आइडियाज से मोटिवेट होते हैं, वैसे ही आप भी कोशिश करो कि आप खुद के आइडियाज से, खुद के रिलेटेड आइडियाज के आइडियाज से आप भी खुद व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बाहर हो और आपको शायनेस फील हो रही है, नर्वसनेस, आपको लाइक भूल जाना कि कोई नहीं है आसपास और कोई लेना देना नहीं है उन सब से, तो फिर आपको बस अपने कैमरा पे फोकस करना है और आपकी कॉन्फिडेंट दिखाना है, तो फिर वो जो भी लोग हैं ना, जो भी हमारे बारे में कुछ भी बोले, वो थोड़ा अनकॉन्फिडेंट फील करे और सैड होकर निकल जाए, तो फिर कोई इग्नोर कर देना है, जो भी लोग हो उन सब लोग को इग्नोर कर देना। ऐसे आप सब लोग को भी जर्नी स्टार्ट करनी तो कर लो, इतना ही मेरा आपसे कहना था। ओके, सो थैंक यू सो मच खुशी, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपने बहुत अच्छे अच्छे लेसन शेयर किए, एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच खुशी।